दोस्तों 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर इन दिनों बिग बॉस 18 में नजर आ रही है। बिग बॉस में हिस्सा लेने के दौरान अभिनेत्री ने कहा था कि उनके पास काम नहीं था, लोग उनके मिलने के लिए भी तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि लोग उनसे फ़ोन पर भी बात नहीं करते थे। ऐसे में उनके पास काम करने के लिए बिग बॉस एक अच्छा ऑप्शन था। इसी बीच अब शिल्पा ने बिग बॉस 18 में लेटेस्ट एपिसोड में अपनी ज़िंदगी के उस दर्द के बारे में बताया जिससे वो गुजर चुकी थी। वो बुरी तरह से टूट गई थी। इस दौरान उनका साथ है नम्र बहन नम्रता ने नहीं बल्कि एक शख्स ने दिया था जिसने अपना करियर भी दांव पर लगा दिया था। चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दरअसल बिग बॉस 18 के लेटेस्ट एपिसोड में शिल्पा शिरोडकर गुणरत्न के साथ अपना दर्द बयान करती है। इस दौरान शिल्पा शिरोडकर ने बताया कि वो साल 2008 में बुरी तरह टूट गई थी। इसकी वजह थी कि उनके माता पिता गुजर गए थे। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर रहा। इस दौरान उनके पति अपरेश रंजीत ने उनके लिए काफ़ी कुछ कुर्बान कर दिया। शिल्पा ने बताया कि जब उनके पेरेंट्स गुजर गए थे तो वो 2008 में क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रही थी। वहीं उनके पति करियर की ऊंचाई पर थे लेकिन वाइफ शिल्पा के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो इंडिया शिफ्ट हो गए थे। इसके साथ ही शिल्पा शिरोडकर ने आगे बताया कि अगर उस समय उनके पति अपरेश कहते कि वो कुछ नहीं छोड़ेंगे और उन्हें कुर्बानी देने के लिए कहते तो आज अपने करियर में अलग मुकाम पर होते। एक्ट्रेस कहती है कि उनके मुश्किल वक्त में उनके पति पिलर बनकर खड़े रहे। इसके बाद गुणरत्न ने उनकी हिम्मत की काफ़ी तारीफ की। वो उनसे कहते हैं कि अगर शिल्पा इंडस्ट्री छोड़कर उस समय नहीं जाती तो उनके पास माधुरी दीक्षित की जैसा स्टारडम होता। इस पर शिल्पा कहती है कि नसीब की बात है उन्हें किसी चीज़ का कोई पछतावा नहीं है।